जैसे इसे खोलोगे तो यहाँ पे क्रेटोस द गोस्ट ऑफ स्पार्टा। आपसे कोई पूछा नहीं ना, हमेशा ऑल राइट गाइस बोल देता हूँ। तो गाइस थंबनेल से तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज का वीडियो किसके ऊपर होने वाला है, PSP PlayStation Portable। अब देखो ये जो PlayStation Portable है ये बहुत पहले आया था, अभी तो PS5 आ चुका है। तो देखो अब ये PSP लेने का क्या मेरा मकसद था, तो मैं सच बताऊं तो 2015 में तो मैं इसे बाय नहीं कर पाया था, लेकिन 2023 में कैसे कैसे करके मैंने इसे जुगाड़ लगाकर बाय किया है। मैं ऑफलाइन गया, ऑफलाइन मार्केट में सर्च किया, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा था मुझे। फिर मैं अपने फ्रेंड में सबसे कॉन्टेक्ट किया, उसके पास भी PSP नहीं था। फिर फाइनली मैं गया गूगल पे एंड सर्च किया PSP, तो बहुत देरी सर्च करने के बाद मुझे दिखा एक वेबसाइट जहाँ पे PSP मिल रहा था 3,999 रुपये में, तो काफ़ी अच्छा डील था और कंडीशन वगैरह भी ठीक ठाक दिख रहा था, तो मैं इसे बाय कर लिया। तो गाइस इधर प्रोडक्ट ऑर्डर किया और इधर हमारे पास PSP डिलीवर भी हो चुका है। मजा के देखो ये मैं कुछ दिन पहले ही ऑर्डर कर लिया था और इसको बढ़िया से मैं टेस्टिंग भी किया हूँ कि किस तरह से अभी 2023 में वर्किंग है। ओके तो गाइस आप यहाँ पे एक्सपीरियंस ले सकते हो अनबॉक्सिंग का, जिसमें हमें कुछ इस तरह से पैकिंग करके हमारा PSP डिलीवर हुआ है। तो मैं बोलना चाहूंगा पैकिंग भी काफी अच्छे तरीके से था और कुछ भी डैमेज नहीं था। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो एक चार्जर है यहाँ पे और एक यहाँ पे PSP रखा गया है और काफी अच्छे तरीके से बबल रैपर में, तो खराब तो नहीं होना चाहिए। अब गाइस ये जो चार्जर है आई डोंट नो ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, बट ये अच्छे तरीके से PSP को चार्ज कर दे रहा था, ऐसा कुछ भी मुझे इशू देखने को नहीं मिला चार्जर के साथ, तो काम तो चल रहा है। अब ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट किसे पड़वा है। ओके तो गाइस बात करते हैं अपने PSP का। तो इसका जो कंडीशन है, देखो कंडीशन तो बहुत इसका बुरा है गाइस। डिस्प्ले के ऊपर मस्त स्क्रैच वगैरह लगा हुआ है, बैक साइड में भी स्क्रैच लगा हुआ है और टॉप एरिया भी काफ़ी गंदा है, तो मतलब कंडीशन ख़राब है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब गाइस इसके पोर्ट्स एंड बटन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ऊपर की तरफ आप देखोगे तो 4.3 इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है और यहाँ पे आपको 4 एक्शन बटन है, एक जॉयस्टिक है, इसके बाद एक सिंगल स्पीकर है। और राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे 4 बटन है, इसका सोनी का ब्रांडिंग किया गया हुआ है। और नीचे देखोगे तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार्ट और इसका तो वॉल्यूम रेज और डाउन कर सकते हो। और ये जो प्लेस्टेशन का जो आपको लोगो दिख रहा है ये एग्जिट करने के लिए रहता है गेम को। ओके और नीचे तरफ यहाँ पे स्लाइड करके आप स्विच ऑन कर सकते हो और स्विच ऑफ कर सकते हो। इसके बाद 3.5mm जैक है और एक यहाँ पे DC in 5V का आपको जो चार्जर दिया जाता है वो लगाकर आप चार्ज कर सकते हो। और गाइस टॉप एरिया में देखोगे तो यहाँ पे 2 ट्रिगर बटन है, लेफ्ट और राइट। इसके बाद यहाँ पे SD कार्ड लगाने के लिए और एक इंडिकेटर लाइट है, एक नहीं 2 है। और एक पोर्ट है यहाँ पे जिसके बारे में श्योर नहीं हूँ, आई थिंक ये डिस्प्ले पोर्ट हो सकता है और मे बी ये USB से कनेक्ट करने के लिए भी हो सकता है। अब मेरे पास ये पोर्ट है नहीं कि मैं इसे अभी चेक कर लूँ। ओके अब गाइस जो बैक एरिया आप देख रहे हो जहाँ PSP का मस्त ये जो दिख रहा है आपको, ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बताता हूँ इसके अंदर क्या है। जैसे इसे खोलोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा CD भी लगाने के लिए आपको स्पेस दिया गया है, तो मस्त 700-800 रुपये का CD कैसेट आता है वो इसमें लगाओ और फिर वो भी गेम आप इसमें खेल सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा आपको मेमोरी कार्ड में मस्त क्या करो, गेम डाउनलोड करो और गेम खेलो। अब गाइस बातें बहुत हो गई, अब आते हैं मुद्दे पे और इसमें गेम खेलते हैं जिसके लिए हमने इसे बाय किया है। तो गाइस सबसे पहले PSP को ऑन कर लेते हैं। ये जो स्लाइड बटन है इसे आगे करके छोड़ देना है, तो गाइस कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखा आ जाएगा और ये मस्त हमारा PSP ऑन हो गया है। और देखो कुछ इस तरह का डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा, ऐसे देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, मतलब निगेटिव वगैरह दिखता है, ऐसे सामने से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो ये हमारा गेम्स का सेक्शन है, ये वीडियो का सेक्शन, म्यूजिक का सेक्शन, ये फोटो का सेक्शन है एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा है कुछ और सेटिंग है, तो यहाँ से आप सेटिंग वगैरह सारा चीज़ कर सकते हो जिस भी तरह से आपको करना है। और गाइस हम आते हैं डायरेक्ट गेम पे और इसमें लगभग 60 गेम के आसपास है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट यहाँ पे जो ये क्रॉस का आइकन दिख रहा है इससे सिलेक्ट होता है, यानी ओके बटन मान लो इसे। ओके तो गाइस एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ गेम का लिस्ट, तो ये देखो बहुत सारा गेम है गाइस, मज़ा आ जाएगा गेम खेलकर इसमें, 60 गेम है। तो चलो एक एक करके देखते हैं जो भी फेमस गेम है वो सब खेलने का। ओके तो ये हमारा स्मैश डाउन रॉ है 2011। इसके बाद गाइस टॉम राइडर भी है इसमें, स्पाइडरमैन है, ये हमारा मोटो GP, हैरी पॉटर 2 है हमारे पास, इसके बाद GTA 1, 2, 3, 4, 4 GTA इसमें ऑलरेडी लोडेड है गाइस, हाँ ऑफकोर्स PSP वाला है। इसके बाद गॉड ऑफ वार भी हमारे पास, एक नहीं 2-2 गॉड ऑफ वार है। इसके बाद गाइस हमारे पास है ये घोस्ट राइडर, भाई ये क्या गेम है, मज़ा आ जाता है एकदम से, बाइक में आग लगता है और क्या ही खतरनाक ग्राफिक्स निकल कर आता है। इसके बाद गाइस कॉल ऑफ ड्यूटी है एंड अवतार हो गया, एसफेल्ट 8 हो गया और इवन हमारे पास एंग्री वर्ड भी है इसमें लोडेड है।
और काफ़ी अच्छा है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गॉड ऑफ वार से। तो गेम प्ले करने के लिए क्रॉस वाला आइकन को आपको प्रेस करना है एंड इसके बाद गेम ऑन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ PSP का जो साउंड है आप सुन सकते हो, कुछ इस तरह का है, तो बहुत ही कम साउंड है। तो मैं यहाँ पे एक्सटर्नल स्पीकर ऐड कर देता हूँ ताकि मस्त धमाकेदार साउंड आए और आपको गेम का एक्सपीरियंस अच्छा मिल पाए। तो गाइस हमारा गेम ऑन हो गया है, यहाँ पे न्यू गेम आ रहा है, चलो स्टार्ट करते हैं। Kratos, the ghost of Sparta, had taken his place amongst the Olympians as the god of war. Ares was dead. चलो स्टोरी को स्किप करते हैं। ओह माय गॉड, बहुत गेम है गाइस। आपका इस टाइम है GTA खेलने का, ओके? Big Batch reporting for duty, sir. Duty. Relax. Relax. गाइस जॉयस्टिक तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बटन वगैरह भी प्रॉपर काम कर रहा है, बट आप देख सकते हो गेम कुछ इस तरह से खेल सकते हैं। तो गाइस टाइम आ गया स्मैकडाउन खेलने का। तो टाइम आ गया घोस्ट राइडर खेलने का। जॉनी ब्लेज किड वाज अ स्टंटमैन, अ डैम गुड वन। गाइस टाइम आ गया कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने का। कॉल ऑफ ड्यूटी रोड टू विक्ट्री 1942 द 82nd एयरबोर्न। टाइम एंड डाउन योर साइड, कम ऑन कम ऑन मैन, सर लुक आउट। तो फाइनली गाइस हम सबका प्यारा एंग्री बर्ड गेम, ओके? गाइस अभी आप चेक करोगे तो आपको स्पेल 9 देखने को मिल जाएगा और ये है स्पेल 2। चलो ये भी खेल कर देख लेते हैं किस तरह से हम खेल सकते हैं। तो क्या बात भाई, आज PSP में गेम खेल रहे हो? क्यों? गॉड ऑफ वार खेल रहा हूँ ना इसलिए। क्यों, तुम्हारे स्मार्टफोन में गॉड ऑफ वार नहीं है? नहीं, तभी तो दिक्कत है। तो अब कैसा लग रहा है गॉड ऑफ वार PSP में खेलकर? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ग्राफिक्स तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, फिर क्यों अच्छा लग रहा है? अरे PSP का फील ही अलग है भाई, मज़ा आ रहा है ना।
नॉर्मली हम लोग मोबाइल में खेलते थे ना, तो उतना वो ठीक है, मोबाइल तो सिर्फ ठीक है लेकिन गेम का मजा तो कंसोल में ही आता है। तो भैया कैसा लग रहा है पीएसपी में गेम खेलकर? मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। ऐसा क्यों, स्मार्टफोन में गेम नहीं है जो पीएसपी में मजा आ रहा है? स्मार्टफोन में है बट इसमें ज़्यादा मजा आता है भाई खेलने में। ये कौन सा गेम खेल रहे हो अभी? SFL 2। अरे भाई स्मार्टफोन में तो SFL 9 मिल जाता है, फिर SFL 2 खेल रहे हो भाई, इसमें जो मजा है ना उसमें नहीं है। सब यही बोल रहे हैं। अब गाइस गेम हमने बहुत खेल लिया, बात कर लेते थोड़ा सा बैटरी लाइफ के बारे में। तो देखो इसमें लगा हुआ है 1200 mAh का बैटरी, और जैसा मैं यूज किया हूँ गेम खेला हूँ और ऐसे नॉर्मली रख भी दे रहा था ऑन करके ही, तो मुझे बैटरी यहाँ पे अप टू 5 hours का देखने को मिला है। तो बैटरी ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ा सा कम चलता है, अगर आप रेगुलर गेम खेलोगे तो हो सकता है आपको 3 घंटे का बैटरी लाइफ मिल जाए। अब ये एक रिफर्बिश्ड है तो बैटरी ऐसे भी थोड़ा सा कम चलता है। जब गाइस ये नया था तो उसमें बैटरी लाइफ डेफिनेटली काफी अच्छा था, लगभग 8-9 घंटे के आसपास था, बट अभी थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलता है। पुराना भी है और इतना समय भी हो गया, और आई डोंट नो इसमें बैटरी ओरिजिनल लगा है या डुप्लीकेट लगा है, लेकिन 3-4 घंटा गेम खेल सकते हो आप। ओके तो फाइनली गाइस बात करते हैं मुद्दे की, क्या ये पीएसपी आपको 2023 में बाइक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये पुरानी यादों को ताजा कर देता है पीएसपी, और दूसरा ये है कि देखो आप स्मार्टफोन में भी गेम अलग अलग प्रकार के खेल सकते हो, अलग अलग प्रकार के डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन जो एक फील पीएसपी में है वो एक स्मार्टफोन में आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, भैया ने भी ऐसा बोला और अवध ने भी बोला कि एक जो पीएसपी में फील आता है गेम खेलने का वो एक स्मार्टफोन में नहीं आता है। अभी देखो ये जो आप देख रहे हो ये चाइनीज पीएसपी टाइप मान लो इसे, और ये देखो ये है ओरिजिनल। इसका बहुत सारा डुप्लीकेट भी आया था इस तरह से, तो मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था। तो मैं बोलना चाहूँगा अगर आपको ये 2500 या 3000 में भी अच्छा कंडीशन मिल रहा है तो डेफिनेटली आप बाइक कर सकते हो, अगर आप एक गेम लवर हो और पीएसपी लवर हो तो। ओके तो देख लो, अगर आपको कहीं मिल रहा है तो ले लो, और अगर हो सकता है ट्राई करो ऑफलाइन में जाकर चेक करके फिर लेना। ओके तो आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मानो कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स है, वहाँ आप पूछ सकते हैं, और आपको इस तरह का वीडियो देखना अच्छा लगता है बस इन्वेंशन डिस्ट्रॉयर को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। मिलता हूँ आपसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।